फ्रेंड, जब भी आप एसईओ ऑडिट के बारे में सुनते हो तो आपके दिमाग में आता है ऑडिट क्या है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो सिर्फ ऑन पेज करते हैं या कुछ टूल्स ऑफ पेज करते हैं और या कुछ टूल्स टेक्निकल ऐसे करते हैं। तीनों पैरामीटर्स को कोई भी एड्रेस नहीं करता है, लेकिन एक टूल है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपको तीनों पैरामीटर्स के ऊपर काम कर अपनी वेबसाइट का या कंप्यूटर के साइट का या किसी की भी साइट का ऑडिट करा के दे सकता है और वो भी फ्री में। और उस टूल का नाम है स्क्रीनिंग फ्रॉग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्क्रीनिंग फ्रॉग के बारे में, जो आपके वेबसाइट का ऑडिट फ्री ऑफ कॉस्ट और चुटकियों में करके दे और सही ढंग से करके दे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने लव मन को बताइए कि क्वालिटी कंटेंट मिलता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हम लोग गूगल के ऊपर में, और गूगल के ऊपर में हम लोग सर्च करेंगे स्क्रीनिंग फ्रॉग। सो दोस्तों, ये टूल है जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट का या किसी और की वेबसाइट का, कॉम्पिटिटर्स का, आप SEO ऑडिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि SEO ऑडिट जो है वो आपके फिनेंशियल ऑडिट के तरह ही होता है। फिनेंशियल ऑडिट्स में बाय एंड ऑफ द ईयर या क्वार्टरली आप चेक करते हो कि आपके बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और उसके ऊपर में कंट्रोल रखा जाता है दोस्तों, ताकि आपकी कंपनी आपको प्रॉफिट दे। आपका P&L अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आपको प्रॉफिट नजर आए। उसी तरह से दोस्तों इस टूल को, स्क्रीनिंग फ्रॉग को यूज किया जाता है, और ये स्क्रीनिंग फ्रॉग आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में क्या प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्या प्रॉब्लम्स है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, ताकि पॉजिटिव्स के ऊपर में आपको बेनिफिट्स मिले और नेगेटिव को आपको रेक्टिफाई करके फिर से उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाओ। दोस्तों, ये पहले नंबर की साइट है, इसको हम लोग को ओपन कर लेना है। और स्क्रीनिंग फ्रॉग SEO स्पाइडर वेबसाइट, इस तरह से इस वेबसाइट का नाम है दोस्तों, screamingfrog.co.uk इस वेबसाइट का नाम है। ये वेबसाइट जो है आपको एक सॉफ्टवेयर दिलवाती है जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर SEO स्पाइडर टूल में डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, लेकिन उसके पहले आप प्राइसिंग को देख लीजिए। प्राइसिंग में आप आओगे तो आपको देखेगा कि फ्री वर्जन में आपको क्या अवेलेबल है और पेड वर्जन में क्या है। डेफिनेटली पेड वर्जन में बहुत सारे फीचर्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन फ्री वर्जन में भी काफी सारे फीचर्स है जो एज अ बिगनर हमारी वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं और आप इससे एडवांटेज उठा सकते हो। तो क्या फीचर्स है दोस्तों फ्री में? फ्री ब्रोकन लिंक्स, एरर्स एंड रिडायरेक्ट्स, एनालाइज पेज टाइटल्स एंड मेटा डेटा, रिव्यू मेटा रोबोट्स एंड डायरेक्टिव्स, ऑडिट HRF लैंग एट्रीब्यूट्स, डिस्कवर एग्जैक्ट डुप्लीकेट पेजेस, जनरेट XML साइट मैप, साइट विजुअलाइजेशन, और साथ में क्रॉल लिमिट। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉल लिमिट 500 पेजेस तक की है। दोस्तों अगर आपने 500 पेजेस को क्रॉल कर लिया है इस आईडी से, जिस आईडी के थ्रू आप कर रहे हो, तो उसके बाद में आपको फिर से एक बार नए अकाउंट से आपको क्रिएट करना होगा ताकि आपको नए 500 URLs मिल सके। तो चलो शुरुआत करते हैं इसको डाउनलोडिंग के लिए। फिर से आपको बैक करना है, होम पेज पे आना है और यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग के टैब के ऊपर में क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप डाउनलोडिंग के टैब के ऊपर में क्लिक करोगे, आप देखेंगे यहाँ पर मेरा मैक ओएस है, तो मुझे मैक ओएस के हिसाब से डाउनलोड का जो इसका वर्जन है वो दिखाई दे रहा है। इसको डाउनलोड नाउ करना है। अगर आपके पास विंडोज है तो विंडोज का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, उसको डाउनलोड करना है। तो चलो दोस्तों इसको शुरू करते हैं डाउनलोडिंग, और उसके बाद में इंस्टॉलेशन भी करना है। तो जैसे भी डाउनलोडिंग का ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया, ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है दोस्तों, और हमको वेट करना है इसके डाउनलोड का। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग फ्रॉग जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं अगर ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो आपको स्क्रीनिंग फ्रॉग इंस्टॉलेशन के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पर दोस्तों। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है फाइल, आपको इसको इंस्टॉल करना है। विंडोज के लिए और मैक के लिए दोनों जगह इंस्टॉल हो सकता है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाएगा, आपको नेक्स्ट करना है, और उसके बाद में आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोडिंग के लिए जरूर टाइम लग सकता है, क्योंकि 500+ MB का ये सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन एक बार हो जाए आपका ये डाउनलोड, तो आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो। तो मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी डाउनलोड है दोस्तों, इसलिए आपको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद में इसको डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपका SEO फ्रॉग का पेज ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे लोडिंग डिफॉल्ट कोडिंग दोस्तों डाउनलोड हो रहा है ये, और डाउनलोड होने के बाद में आपका ये डैशबोर्ड दोस्तों ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको अपनी किसी भी वेबसाइट का या कॉम्पिटिटर की वेबसाइट का SEO ऑडिट बड़ी आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि इसके ऊपर फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आप टेक्निकल SEO के बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक कर सकते हो, और वो बहुत भी जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे टूल्स है जो आपको ऑन पेज और ऑफ पेज के लिए एक SEO ऑडिट करवाते हैं, लेकिन टेक्निकल SEO के जो पैरामीटर्स होते हैं उनके ऊपर में थोड़ा कम ध्यान होता है उसका। फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल और
यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर जो आप चेक कर सकते हैं, देन रिस्पॉन्स कोड्स, यूआरएल, पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, उसके बाद H1, H2, कंटेंट, इमेजेस, कैनोनिकल टैग्स और पेजिनेशन। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी, डायरेक्टिव्स, HRF लैंग, जावास्क्रिप्ट, AMP, स्ट्रक्चर डेटा, साइट मैप्स, पेज स्पीड, कस्टम सर्च, कस्टम एक्सट्रैक्शन, एनालिटिक्स, सर्च कंसोल और लिंक मेट्रिक जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। दोस्तों किसी वेबसाइट का हम लोग लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं उसका परफॉर्मेंस। दोस्तों एक काम करते हैं, हम लोग Zomato की वेबसाइट को एनालाइज करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जो होटल इंडस्ट्री में काम करती है वो Zomato के साथ जुड़ी हुई रहती है, और Zomato एक फूड डिलीवरी साइट है दोस्तों, स्विगी का कॉम्पिटिटर है। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, प्लीज वेट वाइल क्रॉल इज कम्प्लीट। सो यहाँ पे क्रॉल हो रहा है और हम लोग डेटा आने का वेट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं 2%, 3% ये क्रॉलिंग शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे इस क्रॉलिंग में आपको दिखाई देगा कि क्या इस वेबसाइट ने ऑन पेज ऑफ पेज के अलावा टेक्निकल SEO किया है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, फ्री वर्जन ऑफ स्क्रीमिंग फ्रॉग SEO स्पाइडर इज लिमिटेड टू क्रॉलिंग 500 URL, तो 500 URL तक ही आपको काम करेगा। उसके बाद में आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी टेक्निक है, आप जो है नए ID के साथ में, नए IP के साथ में इसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर अ टाइम बाइंग मैं आपको बता रहा हूँ कि Zomato का परफॉर्मेंस किस तरह से है। आप फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, तो क्रॉल हो रहा है, 30% हो चुका है, हम लोगों को वेट करना है क्रॉल होने तक। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्रॉल 100% हो चुका है, और अब हम लोगों को यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक्स दिखाई दे रही है जो Zomato से आउटबाउंड लिंक मिली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी वेबसाइट्स को यहाँ पर उन्होंने आउटबाउंड लिंक ऑफर की है। अगर सिक्योरिटी के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर HTTPS टैग लगा हुआ है और सभी पेजेस जो है यहाँ पर सिक्योर्ड हैं। दोस्तों उसके बाद में है रिस्पॉन्स कोड। रिस्पॉन्स कोड में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर इसका स्टेटस कोड क्या है, आपके वेबसाइट में कुछ बग्स है, कोई इश्यूज हैं, अगर है तो वो दिखा देगा। जैसे 304 एरर होता है या 505 एरर होता है, ऐसे एरर्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे दोस्तों। यहाँ पर कुछ एरर्स है 301 जो मोर परमानेंटली है, मतलब इन वेबसाइट को, इस पेजेस को बंद कर दिया गया है, और वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो पेजेस जो है दोस्तों ओके हैं, उनको इंडेक्स हो चुके हैं वो पेजेस, और जिनने मोर परमानेंटली किया है, जो पेजेस यहाँ से हटा दिए गए हैं, वो नॉन इंडेक्सेबल है। यहाँ इस तरह का कंप्लीट स्टेटस आपको दिख रहा है यहाँ पर रिस्पांस कोड में। देन दोस्तों हम लोग URL के ऊपर में आ जाते हैं और URL पे चेक करते हैं कि इनका स्टेटस कैसा है। तो स्टेटस वाइज अभी भी यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पर सभी पेजेस मोस्टली ओके के पैरामीटर में है, 200 इसका जो है वो स्टेटस कोड दिख रहा है। देन हम लोग को दोस्तों ऑन पेज के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, पेज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। दोस्तों पेज टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं सभी पेजेस के यहाँ पर टाइटल्स दिखाई दे रहे हैं, ये टाइटल्स पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट इन मानकापुर, हसनपुरी, रविनगर। दोस्तों एक बात यहाँ पर मुझे समझ में आई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्क्रीमिंग फ्रॉग आपके लोकेशन के हिसाब से आपको ऐसी ऑडिट करा रहा है। Zomato के इस वेबसाइट के पेजेस जितने भी रेस्टोरेंट्स उन्होंने टाइप किए होंगे, मैं जहां पर हूं अभी एट प्रेजेंट नागपुर में, तो नागपुर की पूरी वेबसाइट, पूरे लोकेशंस को उन्होंने ऐड किया होगा, और सभी लोकेशन में उन्होंने पेज ऑफर किया होगा या पेज उनको सब डोमेन ऑफर किया है, उन सभी सब डोमेन का वो स्टेटस बता रहा है आप। तो यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो नागपुर को दिया गया। जैसे अगर आप दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो, तो वहां के आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। तो ये आपका लोकेशन ट्रैकिंग कर रहा है और आपका जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर SEO ऑडिट किया जा रहा है, ये काफी खास है दोस्तों। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो आपको इस तरह से इसको स्ट्रेच करना होगा और उसके बाद में आप इसका कंप्लीट मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। देन दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। मेटा कीवर्ड्स जो है इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी मेटा कीवर्ड्स के या स्पेसिफिक कीवर्ड यहाँ पर जो है वो नहीं दिखाई देते हैं, तो इस फीचर को हम लोग छोड़ देते हैं। H1, H2 ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस वेबसाइट के ऊपर में कितने H1 हैं और कैसे पेज वाइज या फिर सब डोमेन वाइज H1 चेंज हुए हैं, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में H2 पैरामीटर्स क्या है वो भी देख सकते हैं इसके, और उसके बाद में आते हैं हम लोग कंटेंट के ऊपर में, कंटेंट किस तरह का अवेलेबल है दोस्तों, और पेज वाइज इसमें वर्ड काउंट क्या है, ये बड़ी बात है दोस्तों। एक साथ आपको सभी पेजेस का वर्ड काउंट यहाँ पे दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड काउंट भी जो है अन एवरेज 500+ के पेजेस है, जैसे कि 500+ वर्ड्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये इतना कंटेंट जरूरी होता है, और उतना आपको हर पेज पे, हर वेबसाइट के ऊपर में, हर पेज पे, हर सब जितने भी रेस्टोरेंट होंगे दोस्तों, उन सभी रेस्टोरेंट ने इतना
जो है एनएम एवरेज 500 प्लस वर्ड्स को यूज किया है, तो ये काफी अच्छी बात है। उसके बाद में इमेजेस में आ जाते हैं दोस्तों, इमेजेस कितनी यूज की गई है, इंडेक्सेबल है नहीं है, वो भी उसका स्टेटस यहाँ पर पता चल रहा है। देन वी कैन सी कैनोनिकल टैग्स, सभी पेजेस ने कैनोनिकल टैग्स यूज किया या नहीं, ये भी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्सेबल है और कैनोनिकल टैग सभी वेबसाइट्स ने यूज किया है, ऑलमोस्ट सभी पेजेस ने कैनोनिकल टैग जो है वो यूज किया। आपको पता है कैनोनिकल टैग क्या होता है, ये एक टेक्निकल एसईओ का पैरामीटर, वेबसाइट के ऊपर में ओरिजिनल कंटेंट की गारंटी लेती है। पेजिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, सभी पेजेस इंडेक्स हुए कि नहीं हुए आपको दिखाई देंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी पेजेस इंडेक्स हुए। उसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। अगेन कुछ पैरामीटर्स डेफिनेटली यहाँ पर पेड वर्जन में है दोस्तों, लेकिन फ्री वर्जन में भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग ओवरव्यू में, ओवरव्यू में आप देख सकते हैं टोटल समरी यहाँ पर। सो टोटल यूआरएल जो है एनकाउंटर 500 यूआरएल तक इन्होंने काम किया है। अगर इस वेबसाइट में जो है 100 पेजेस होते हैं तो 100 पेजेस दिखा देते हैं, अगर 1000 है तो वो 1000 पेजेस काउंट नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ पे 500 पेजेस तक की इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगी। उसके बाद में कितने इंटरनल लिंक है जो ब्लॉक किए बाय robots.txt के थ्रू। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर में आप गूगल क्रॉलर को बुलाना नहीं चाहते, इंडेक्स नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको robots.txt ये टैग लगाना होता है। तो ऐसा कोई भी पेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों लिंक्स के ऊपर में जीरो पेजेस है दोस्तों। तो robots.txt वाला पेज जोमेटो के ऊपर में अवेलेबल नहीं है। तो टोटल यूआरएल क्रॉल्ड 500 में से 500 पेजेस क्रॉल हो चुके हैं, बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जितनी बड़ी वेबसाइट है उतना ही क्रॉल के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हर क्रॉलर का एक बजट होता है, एक टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में माइक्रो सेकंड्स में वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करके चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में 500 से ज्यादा पेजेस है या 100 से भी ज्यादा पेजेस है, तो डिफिकल्ट आती है कि क्रॉलर को हर वेबसाइट के आपके पेजेस के ऊपर में लेके आने के लिए। कुछ पेज छूट जाते हैं, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे पेज स्पीड है या फिर आपका कंटेंट कंफ्यूजिंग है, तो या आपने कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग की है, या आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्रॉल बजट जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाता और आपकी वेबसाइट के कई सारे पेजेस इंडेक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे इंटरनल यूआरएल जो है 422 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और एक्सटर्नल यूआरएल 78 दिखाई दे रहे दोस्तों। तो इन्हीं में इंटरनली जो इंटरनल लिंक बिल्डिंग की है दोस्तों वो काफी अच्छी है, 84.4% का है, और एक्सटर्नल लिंक जो इन्होंने ऑफर की है वो 78% है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं क्रॉल डेटा में, एक्सटर्नल यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्रॉल डेटा के ऊपर जैसे क्लिक कर देता हूं मैं, यहाँ पर 78 पेजेस जो है वो यहाँ पर क्रॉल हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक्सटर्नल लिंक में से कितने ऐसे पेजेस है जो क्रॉल हो चुके हैं, HTML में 11, JavaScript में, CSS में कितने पेजेस है, यहाँ पर सब दिखाई दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सब क्रॉल हो रहे हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं HTTP यहाँ पर लगा हुआ है, कितने या फिर कितने ऐसे पेजेस हैं जहाँ पर HTTP है, और कितने पेजेस है दोस्तों जहाँ पर HTTPS है। तो सिक्योरिटी वाइज भी 99.29% ये वेबसाइट बहुत ज्यादा सिक्योर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 99.29% HTTPS लगे हुए हैं। उसके बाद में देख सकते हैं दोस्तों मिक्स कंटेंट URL इनसिक्योर, HTTP URL ये सब जीरो है। उसके बाद में अनसेफ जो है, क्रॉस ओरिजिन लिंक जो है 340 है, 80% जो है दोस्तों ऐसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी वेबसाइट के लिंक आपके सिक्योर के पैरामीटर में खरे उतरते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों HTTPS जो 99.29 दिखा रहा है। अगर आप नीचे आ जाते हो तो यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड जो है robots.txt यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो जीरो है हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पर 422 100% URL जो है उनका स्टेटस यहाँ पे पता चल रहा है, रिपीटेटिव पाथ है नहीं है दोस्तों, मल्टीपल स्लैशेस नहीं है, कंटेंट स्पेस नहीं है। काफी अच्छी वेबसाइट बनी है दोस्तों, काफी अच्छा काम हुआ है जिसके ऊपर में URL जो है। ब्रोकन लिंक देख सकते हो दोस्तों, ब्रोकन लिंक ऑलमोस्ट जीरो है। इतनी वेबसाइट बड़ी होने के बावजूद यहाँ पे ब्रोकन लिंक्स नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप लिंक जो है वो डिलीट नहीं कर पाते, कई बार होता है कि आप अपनी लिंक सालों साल वहीं पर पड़ी हुई रहती है जिसके ऊपर में ध्यान नहीं होता दोस्तों, ऐसे लिंक्स को ब्रोकन लिंक कहा जाता है। तो ये ब्रोकन लिंक्स का स्टेटस भी जीरो है दोस्तों, तो अच्छी वेबसाइट है। देन आप देख सकते हो पेज टाइटल्स में यहाँ पर 341 पेज है, 100% सभी पेजेस को, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल पेजेस हो, चाहे वो आपके जो सब डोमेन्स हो, सभी पेजेस के ऊपर में पेज टाइटल लगा हुआ है। डुप्लीकेट कंटेंट जीरो है दोस्तों, अगेन ये बहुत अच्छा पैरामीटर कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में कंटेंट जीरो हो। बहुत सारे लोग कहते हैं स्पेशली ब्लॉगर्स की डुप्लीकेट कंटेंट जो है 5-10% का रेशियो चल जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आप 0% कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। सो उसके बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों ओवर 60 कैरेक्टर्स के ऊपर कितने है पेज टाइटल में, वो 5 है, 1.47, मतलब आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो है
सभी वेबसाइट्स के पेजेस जो है 60 कैरेक्टर के नीचे हैं। आपको पता है बेटा टाइटल 60 कैरेक्टर से लिखना होता है और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया है। बिलो 30 कैरेक्टर्स जो थिन कंटेंट में काउंट किया जाता है, ऐसे ही ऐसा डिस्क्रिप्शन, ऐसा मेटा टाइटल जिसके ऊपर में ज्यादा कंटेंट नहीं है, तो ऐसे पेजेस कितने हैं? 211, 61.88%। दोस्तों ये यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, यहाँ पर 30 कैरेक्टर्स के नीचे अगर आपका कंटेंट है तो ऐसा नहीं रखना है, आपको 30% के ऊपर, 30 कैरेक्टर के ऊपर आपके कैरेक्टर्स होने चाहिए मेटा टाइटल के ऊपर में, तो ये इनको ख्याल रखना पड़ेगा। तो जैसे आप सपोज जोमेटो में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो दोस्तों, तो आप ये इशू उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में जो मेटा टाइटल दिए हुए हैं उसमें से 211 पेजेस ऐसे है जहां पर 30 कैरेक्टर से नीचे के कीवर्ड्स डाले हुए हैं, तो आप कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो बेहतर ढंग से अगर आप इसको 32-60 कैरेक्टर तक लेके आ जाओ मेटा टाइटल को। दोस्तों आप देख सकते हैं 561 पिक्सल जो है ओवर 561 पिक्सल के जो है 3 इमेजेस हैं और 200 बिलो जो है 5 इमेजेस है, मतलब बाकी सभी जो पेजेस की इमेजेस है वो सही ढंग से जा रही है। तो क्योंकि 200-500 के रेंज में होना चाहिए पिक्सल और सभी क्वालिटी इमेजेस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो 99% जो है वो क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। सभी पेजेस का डिस्क्रिप्शन है दोस्तों 100% डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ऐसे बहुत बार होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 10-15 भी पेज क्यों ना हो, तो मैं देखता हूँ कई सारी वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन लिखना मिस कर देते हैं। अगर आपको सही ढंग से एसईओ करना है दोस्तों तो आपकी वेबसाइट के ऊपर मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर सभी पेजेस के ऊपर में मेटा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। डुप्लीकेट अगेन जीरो है दोस्तों, 155 कैरेक्टर्स के साथ में डिस्क्रिप्शन जो है 150-170 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं ओवर 150 जो है वो 14% है। तो 51 ऐसी साइट है जहां पर 41% ऐसी साइट है या 51 ऐसी साइट है जिनके ऊपर में अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ। इन वेबसाइट है दोस्तों यहाँ पर इनका डिस्क्रिप्शन ज्यादा है जिनको उनको कंट्रोल में लाना है। बिलो 70 कैरेक्टर्स के नीचे कौन सी वेबसाइट है तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगेन ओवर 1011 पिक्सल्स की कितनी इमेजेस वो दिखाई दे रही है और बिलो 400 पिक्सल्स की इमेजेस कितनी वो भी दिखाई दे रही है। दोस्तों मेटा कीवर्ड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है, ये ऑलमोस्ट 9 के बराबर है अभी, तो इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं H1 में। H1 देख सकते हैं दोस्तों सभी वेबसाइट के ऊपर में, सभी पेजेस के ऊपर में, सभी 500 पेजेस के ऊपर में H1 टाइटल लगा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, अगर जोमेटो जैसी वेबसाइट H1 पैरामीटर्स को फॉलो कर रही है तो हमको तो फॉलो करना ही है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मिसिंग जो H1 है वो 5 पेजेस है, तो आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर एनालिसिस कर रहे हो तो उनको बता सकते हो कि 5 पेजेस के ऊपर में उन्होंने अभी तक H1 टाइटल नहीं डाला है जहां पर आपको डालना होगा। अब देखते हैं दोस्तों H2 में देख सकते हैं मिसिंग कितने, 54 वेबसाइट ऐसी है, 15% वेबसाइट है जहां पर H2 टाइटल नहीं है। डुप्लीकेट कंटेंट यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 79.1 H2 में कितनी डुप्लीकेट है, H2 टाइटल कितना डुप्लीकेट हो रहा है, तो काफी हद तक दोस्तों 80% जो साइट्स है वहां पर H2 डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है, मतलब सेकेंडरी कीवर्ड जो है दोस्तों उस कीवर्ड को डुप्लीकेट किया जा रहा है, तो ये भी यहाँ पर क्रॉल हो रहा है। कोशिश यही करना है दोस्तों H1 और H2 डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस या कीवर्ड फोकस गूगल क्रॉलर पर सही ढंग से दिखाई दिए, तो इनको यहाँ पर रिन्यू करना होगा। ओवर 70 कैरेक्टर जीरो है दोस्तों। उसके बाद में हम लोग कॉन्टेंट देखते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्टेंट एग्जैक्ट डुप्लीकेट 0% है, कंटेंट में कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है। H2 में डुप्लीकेट है जरूर लेकिन वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट इनका 100% यूनिक है और ये बात जो है सबसे अच्छी है इस वेबसाइट की। अगर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इमेजेस में ओवर 100 केबी की इमेजेस कितनी है, 0 है। दोस्तों अब आ जाते हैं केमिकल टैग में, कंटेंट्स केमिकल 119 पेजेस से 34% जो है वो यहाँ पर केमिकल टैग्स के फॉर्म में दिखा रही है और हम लोगों को यहाँ पर अगर केमिकल टैग डालना है तो बहुत सारे पेजेस पेंडिंग ही है, तो आपको यहाँ पर केमिकल टैग डलवाना होगा ताकि आपका कंटेंट ओरिजिनल लगे। दोस्तों पेजिनेशन में अगर आते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं सब 0 है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। पेजिनेशन में डायरेक्टिव्स आप यहाँ पर आओगे दोस्तों तो डायरेक्टिव्स में जो है नो फॉलो लिंक डू फॉलो लिंक की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर देख पाते हैं यहाँ पर डायरेक्टिव्स हो या फिर HRF लैंग हो ये सभी पेड टूल में आते हैं, तो जावास्क्रिप्ट पेड टूल में आता है, AMP पेड टूल में आता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी के लिए। और इस तरह से फ्री में आप क्या कौन से पैरामीटर्स को ध्यान रख सकते हो आप सब यहाँ पर चेक कर सकते हो दोस्तों, और ये बहुत जरूरी भी है हमारी वेबसाइट के लिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में इन लिंक्स आउट लिंक्स इमेज डिटेल रिसोर्सेज SERP स्निपेट यहाँ पे काफी सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों ये पेड वर्जन में है इसलिए अभी के लिए हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, लेकिन फ्री वर्जन में भी काफी सारी चीजें जो आप चेक कर सकते हो और किसी की भी वेबसाइट का एक कंप्लीट ऑडिट यहाँ पर करवा सकते हो।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर आया है तो चाहिए स्क्रीनिंग फ्रॉग को यूज कीजिए, ऐसी ऑडिट कीजिए और अच्छे रिजल्ट के ऊपर में काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी क्वेश्चन है दोस्तों चाहिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं और आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने लव्ड वन के साथ में और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।